विरोधी दल के रूप में आईना दिखाना जरूरी था। सम्राट चौधरी बोले, मेरी छवि एंट्री लालू हो सकती है मगर नीतीश विरोधी नहीं। बिहार में पिछले दिनों राजनीतिक उलटफेर होने के बाद बीजेपी विपक्ष से सत्ता में आ गई और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ गठबंधन की सरकार बनाई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सरकार में डिप्टी सीएम है, जो कल तक विरोधी की भूमिका में थे अचानक सहयोगी बन गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी कार्यकर्ता इस उलटफेर से सहज नहीं है? यह भी है कि इस उलटफेर के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों पर किस तरीके का असर हो रहा है। बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ने बीजेपी तरफ से यह कमिटमेंट किया था कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और आज भी हम वही हैं। या ठीक है कि नीतीश कुमार बीच के कालखंड में अलग हुए थे और विपक्षी गठबंधन इंडिया का निर्माण किया, लेकिन अब उन्हें यह भी एहसास हो गया है कि देश में नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से समर्थन मांगा तो पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के पलटी मारने की छवि पर पूछे एक सवाल के जवाब में कहा कि वे तो 2020 में जहां खड़े थे अब भी वहीं खड़े हैं। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है तो उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पर भरोसा जताया। कांग्रेस ने देश में जितनी भी बड़ी नॉन कांग्रेस सरकारें बनी सबको गिराने का काम किया। आज भी कांग्रेस पार्टी किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है, इसलिए इंडिया का भविष्य वही खत्म हो जाता है। नीतीश कुमार को गाली देने का काम सबसे अधिक लालू प्रसाद ने किया। लालू प्रसाद दो बार सरकार में आए। राजनीति अपनी जगह, लेकिन बिहार के विकास में हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश के साथ फिर से सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए असहज स्थिति उत्पन्न होने के सवाल के जवाब में सम्राट चौधरी ने कहा कि यह नेचुरल अलायंस है। बीजेपी और नीतीश कुमार का महागठबंधन 1996 से है। जब भी अननेचुरल करते हैं तब लोगों को कष्ट होता है। अननेचुरल अलायंस आरजेडी के साथ था। तो एक बार फिर से जो नीतीश कुमार को गालियां देते थे, नीतीश कुमार को बहुत कुछ कहते थे, अब वो नीतीश कुमार के विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी हो गए। सम्राट चौधरी कहते हैं कि मैंने नीतीश कुमार का विरोध नहीं किया, मैं लालू प्रसाद यादव का विरोध करता हूं, उनकी नीतियों का विरोध करता हूं। 75,000 शिक्षकों की बहाली उन्होंने निकाली और जो वादे अब तक पूरे नहीं हुए उन्हें पूरा करेंगे, ऐसा सम्राट चौधरी ने कहा है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि तेजस्वी यादव न शिक्षा मंत्री थे, न वित्त मंत्री थे और न ही मुख्यमंत्री थे, वे सहयोगी थे। ऐसी स्थिति में उनका रोल लिमिटेड है। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश का 32,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हो और लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए भारत सरकार देती हो, उस राज्य में यदि किसी को नौकरी मिलेगी तो नरेंद्र मोदी की कृपा से मिलेगी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।